जय श्री राम, जय श्री सीताराम। मित्रों, आज हम श्री चंद्रकांत का 38वां दोहा आपको बता रहे हैं। तो 38वें दोहे को जानने से पहले हम थोड़ा सा प्रसंग समझ लेते हैं। प्रसंग यूं चल रहा था कि रावण को पता चल गया है कि श्री रामचंद्र वानरराज सुग्रीव और उनकी सेना सहित समुद्र के इस पार आ गए हैं। तो उसने अपने मंत्रियों से पूछा क्या करना चाहिए। तो मंत्री जो चापलूस हैं, कुछ भयभीत हैं, तो उसकी तरफदारी ही करते हैं कि तुम देवताओं से तो पराजित हुए नहीं, ये तो वानर भालू बंदर हैं, ये क्या तुम्हें हराएंगे। तो फिर बीच में ही विभीषण जी आते हैं और अपना आसन ग्रहण करते हैं, है ना। तो विभीषण जी से पूछता है रावण, तो विभीषण जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जौ कृपाल पूछे हु मोहि बाता, मति अनुरूप कहु हित ताता, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो परलारे निललारे गुसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई, चौदह भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिस टई नहीं सोई, कुन सागर नागर नर जो, अलप लोभ वल कहई न को, है ना। इस प्रकार से वो सलाह देते हैं विभीषण जी, कहते हैं कि जो अपना कल्याण चाहता है तो उसको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, उसे किसी परनारी की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, और उसको परनारी को इस तरह त्याग देना चाहिए जिस तरह लोग चौथ के चंद्र को त्याग देते हैं, इसी तरह हमें परनारी का मुख तक नहीं देखना चाहिए। सो परनार लीलार गुसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई, ठीक है ना। परनारी का लीलार हमें देखना नहीं चाहिए, उसको चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। और ऐसा समझाते हैं विभीषण जी, और फिर कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब, क्या क्या, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजहि चेहि संत। तो विभीषण जी 38वें दोहे में रावण से कहते हैं कि काम क्रोध मद और लोभ, ये चार चीजें ऐसी हैं कि ये हमें नरक की तरफ ले जाती हैं, ये नरक के पंथ हैं, पंथ मतलब रास्ता, ये नरक के रास्ते हैं, इनको हमें त्याग देना चाहिए और उन श्री रामचंद्र को भजना चाहिए जिन्हें संत भजते हैं। इस प्रकार यह 38वें दोहे का अर्थ था। आगे के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यदि पसंद आती है वीडियो कमेंट करें, जो भी आपको समझ आता है, और जय सियाराम जरूर लिखें। जय श्री सीताराम।